एवरीवन, मैं डॉक्टर राधिका केलकर हूँ और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको मेंटल रिटार्डेशन इस बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। मेंटल रिटार्डेशन एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसके लिए लोग साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं, तो मैं आज आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी दूंगी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेंटल रिटार्डेशन या कोई रिटार्डेड है, ऐसा बोलना कभी कभी अपमानजनक किसी को लग सकता है। इसके लिए जो साइकेट्रिक गाइडलाइंस है, उन्होंने मेंटल रिटार्डेशन इस टर्म का यूज़ बंद करके उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसा आजकल बोला जाता है। तो किसी का भी जिनका भी IQ लेवल कम है नॉर्मल से, तो उनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ऐसा हम बोलते हैं। तो इस चीज़ के वजह से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं उस चीज़ के। बच्चों जब छोटे होते हैं बच्चे, उस टाइम से लेकर पूरी लाइफ में उसका इफ़ेक्ट होता है कोई भी पर्सन पे जिसको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो ये कॉमन समस्या है। जब बच्चे होते हैं तभी पेरेंट्स लेके आते हैं कि ये पढ़ाई में कमज़ोर है, इसे समझ में नहीं आती बातें। कभी कभी पेरेंट्स को अवेयरनेस कम होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। बहुत अवेयरनेस पेरेंट्स में कम है कि ये क्यों होता है, कैसा होता है और इसका स्वरूप क्या है और इसका प्रोग्नोसिस, यानी कि ये सुधर सकता है या नहीं सुधर सकता, इसके लिए अवेयरनेस बहुत कम है। तो बच्चों में इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे पहचानना किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये कैसे पहचानना। सबसे पहली बात, इसका जो प्रेवलेंस है वो कितना है। कोई भी पॉपुलेशन में 1 to 1.5% प्रेवलेंस है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, यानी कि हर 100 बच्चों में या 100 इंसानों में एक इंसान या डेढ़ इंसान को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। और ऐसा पाया गया है कि मेल्स को फीमेल्स से ज़्यादा है, मतलब मेल चाइल्ड को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रेवलेंस ज़्यादा है मेल चिल्ड्रन में। दूसरी चीज़, ये कैसे पहचाना जाए, इसके 4 लेवल्स होते हैं। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इनमें फ़र्क होता है कि IQ लेवल का फ़र्क होता है। नॉर्मल जो अपना IQ रहता है, नॉर्मल ह्यूमन IQ इज़ 90 to 110 से ज़्यादा तो ज़्यादा बोलते हैं IQ, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 90 से जो कम है उनमें हम बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। उसमें भी 50 to 70 इज़ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, 70 to 90 इज़ अगेन बॉर्डर लाइन, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ट्रेनिंग के साथ उनका नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाता है, बट 50 to 70 IQ होगा तो उसे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। 35 to 50 होगा तो उसे मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। 20 to 35 होगा तो उसे सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, और लेस देन 20 IQ होगा तो उसे प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये सारे लेवल्स के अनुसार कोई इंसान जो है वो कितना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसको ये हम पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनमें और भी मेंटल इलनेसेस हो सकते हैं, मतलब मानसिक आजार जिनको मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा हो सकता है, साइकोसिस यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे जो मानसिक आजार है वो ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो लोग जो ऐसे बच्चे होते हैं उनमें बिहेवियरल काफ़ी इश्यूज रहते हैं, बात ना मानना उन्हें, क्योंकि कम समझ होती है सबकी। तो बाकी जो मानसिक आजार है जो उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है ये डायग्नोस कैसे करें, हाउ टू गो अबाउट द डायग्नोसिस। तो इसके लिए है कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई टेस्ट कुछ टेस्ट्स होते हैं जिनसे पता कर सकते हैं कि अपना बच्चा जो है वो नॉर्मल है या उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मंद बुद्धि पना जो है वो हो सकता है। ये जो टेस्ट्स होते हैं ये अवेलेबल है आजकल के टेक्नोलॉजी के वजह से, सो एवरीवन कैन यूज़ दोज टेस्ट टू डायग्नोज। सेकेंड थिंग इज़ ब्लड और यूरिन की जो कुछ टेस्ट्स होती है वो कर सकते हैं। फिर न्यूरो मतलब CT स्कैन, MRI है, इनसे भी पता कर सकते हैं कि डायग्नोसिस क्या है और अपना बच्चा क्यों कम समझ रहा है चीज़ों को, ये पता कर सकते हैं।
चौथी चीज़ है आईक्यू टेस्टिंग अवेलेबल होता है साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास आईक्यू टेस्टिंग अवेलेबल होता है, उससे आप बुद्धि मापन जो होता है वो करा सकते हैं कि आईक्यू कितना है बच्चे का, वो हम जान सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जानना और इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी जड़ क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो आप ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको लगे या आपके रिलेटिव्स को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप ज़रूर साइकेट्रिस्ट के पास जाए, हमारे पास आए, हम केड़कर हॉस्पिटल में रहते हैं अकोला में, जहाँ पे सारी टेस्टिंग्स अवेलेबल है, और कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास ये सारी टेस्टिंग्स अवेलेबल होती है यूजुअली। ऐसे काफ़ी बच्चे हमने अब तक देखे हैं जो जिनको ऐसा प्रॉब्लम्स, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आता है, बिहेवियर में प्रॉब्लम आता है, तो इन चीज़ों का डायग्नोसिस अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है केड़कर हॉस्पिटल अकोला महाराष्ट्र में। आपको अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो तक धन्यवाद।